पिछले महीने लोकसभा में बहुमत गंवाने के बाद अब राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है। 13 जुलाई को सरकार की तरफ से नामित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या घटकर 86 हो गई है। इससे अब एनडीए के पास ऊपरी सदन में 101 सांसदों की ताकत है, जो कि बहुमत से काफी कम है। राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं, 19 सीटें खाली हैं। 13 जुलाई को जो नामित सांसद रिटायर हुए उनमें राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी राज्यसभा सदस्य बनने के बाद बीजेपी से भी जुड़े थे। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करती है। मौजूदा सदन में इनमें से 7 सांसद बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन किसी प्रस्ताव या बिल पर सरकार का साथ देते हैं। बहुमत नहीं होने से अब बीजेपी को बिल पास कराने में कुछ मुश्किल जरूर हो सकती है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि अपर हाउस में एनडीए भले ही बहुमत में नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बिलों को सरकार अब भी पारित करवा सकती है। इनमें 7 नामित सांसदों के अलावा बीजेपी को पुराने सहयोगियों AIADMK और YSR कांग्रेस पार्टी का साथ मिल सकता है। वहीं अगर नामित सांसदों की वैकेंसी सरकार जल्द भरती है तो बीजेपी की दूसरे दलों पर निर्भरता कम हो सकती है। राज्यसभा में अभी YSR कांग्रेस पार्टी के 11 और AIADMK के 4 सांसद हैं। YSR कांग्रेस पहले भी मुद्दों के आधार पर एनडीए सरकार को समर्थन करते आई है। वहीं एक और सदाबहार सहयोगी बीजू जनता दल BJD अब बीजेपी से छिटक गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद BJD ने साफ कहा था कि वो राज्यसभा में बीजेपी को किसी मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करेगी। ऊपरी सदन में पार्टी के 9 सांसद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में अभी जो 19 सीटें खाली हैं, उनमें जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 वैकेंसी हैं। वहीं 11 सीटें 8 अलग अलग राज्यों से हैं। असम, बिहार और महाराष्ट्र से 2-2, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से 1-1 सीट खाली है। इनमें 11 में से 10 सीटें लोकसभा चुनाव के कारण राज्यसभा के 10 सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़कर निचली सदन में पहुंच गए। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 69(2) के तहत अगर कोई व्यक्ति जो पहले से राज्यसभा का सदस्य है और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो राज्यसभा में वो सीट सांसद चुने जाने की तारीख से अपने आप खाली हो जाती। वहीं एक सीट भारत राष्ट्र समिति के सदस्य KKeshav Rao के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। राव इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी थी। इन 11 सीट के लिए जब भी चुनाव होंगे तो इनमें से 8 सीट एनडीए के पास जा सकती है, 3 सीट इंडिया गठबंधन के हिस्से जाने की संभावना है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा में अभी कुल 87 सांसद हैं। इनमें कांग्रेस के पास 26, तृणमूल कांग्रेस के पास 13, आम आदमी पार्टी और DMK के 10-10 सांसद हैं। लोग बता रहे थे कि वो जो शरद त्रिपाठी वाला प्रकरण था 3 सेकंड में 7 जूतों वाला, वो भी होते होते बचा। तमाम हीटेड आर्गुमेंट हुए, वहां बताया गया कि MP MLA की कोई सुनी नहीं जा रही है सरकार में, और सरकार द्वारा बताया गया कि किस तरीके से लोग क्या क्या कर रहे हैं, लोगों के कौन कौन सी सिफारिशें करते हैं। विधायक और पूर्व वरिष्ठ मंत्री लगातार आकर के कह रहे हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी। अब यही सब बातें हमने तो सुनी है, जनता के लिए क्या हुआ ये देखने की बात है। क्या महंगाई कम करने की उन्होंने कोई बात करी? बिल्कुल नहीं करी। बेरोजगारी कम करने की बात करी? बिल्कुल नहीं करी। पुलिस की भर्ती कब कराएंगे इसकी बात करी? बिल्कुल नहीं करी। जनता से जुड़े हुए मुद्दों की कोई बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ धन कैसे आए या फिर सत्ता कैसे आए इसकी बात करती है। तो ऐसे तो करते रहे, कहीं भी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हिंदुस्तान की कोई भी बॉडी या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसे संविधान सम्मत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाने का हक है, और अपने हक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी किसी भी फैसले के विरुद्ध न्यायालय जाए, ये उसकी अपनी इच्छा है, ये संविधान उसको इजाजत देता है। बाकी जो संविधान फैसला करेगा वो फैसला हर हिंदुस्तान का नागरिक मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। सच बात ये है कि हर हिंदुस्तानी को सुप्रीम कोर्ट का और संविधान का सम्मान करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से ज्यादा, लोग बता रहे हैं कि उसमें 60% से ज्यादा जो है वो बोट फॉलोअर्स हैं, लगातार जो बातें चल रही हैं। लेकिन वो 100 मिलियन फॉलोअर कर लें, ईश्वर करे कल की डेट में 200 मिलियन फॉलोअर हो जाए या 400 मिलियन फॉलोअर हो जाए, इससे देश की बेरोजगारी की समस्या पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे महंगाई पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? और रही बात अगर फॉलोअर्स की बात कर लें, तो व्यूअरशिप में श्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी से कहीं पीछे हैं। वो 100 मिलियन फॉलोअर लेकर के भी उनकी संसद की स्पीच मात्र 50-60 हजार लोगों द्वारा सुनी जाती है,
और उनसे कहीं कम फॉलोअर लेकर भी श्री राहुल गांधी जी की स्पीच 30-30 मिलियन लोग सुनते हैं। तो इस चीज का भी नरेंद्र मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए कि जनता सब समझती है, सोशल मीडिया पे आप जो काम कर रहे हैं वो भी सब समझते हैं, सोशल मीडिया के लोग आपको देखते नहीं है, नकली फॉलोअर जितने भी बढ़ा लीजिए। अब आज की डेट में जो केंद्रीय मंत्री है इनके पास कोई काम नहीं है। राजस्थान को पूर्वी राजस्थान नहर नहीं देंगे, राजस्थान के बच्चों को नौकरी नहीं देंगे, अवैध टैपिंग, अरे अवैध टैपिंग है तो आप कोर्ट में जाइए, कौन रोक रहा है आपको। श्री अशोक गहलोत जी राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं। अशोक गहलोत जी जितना सभ्य निरपेक्ष और ईमानदार नेता आज की डेट में राजस्थान में कोई है क्या? वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री है क्या या ये मंत्री है क्या गजेंद्र सिंह जी? इस तरीके की बातों से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का फैसला हमें सब मान्य है और राजस्थान के गांधी श्री अशोक गहलोत जी के ऊपर कोई भी आप कुत्सित आरोप लगाएंगे तो आपके ऊपर गिरेगा। इतिहास की कमियों के पीछे कब तक छुपेंगे नड्डा जी? अगर हमारी कमी रही तो जनता ने हमें सजा दी, और आप जिस तरीके से चुनी हुई सरकारों का अपहरण करें, चाहे मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, आपने पूर्वोत्तर राज्यों में किया, देहरादून में किया, वो कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। नड्डा जी हमारी कमियों को आगे करके अगर आप चुनी हुई सरकारों का अपहरण करते हैं तो अक्षम्य अपराध है, आप तो डकैती डालते हैं। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम रखा गया, तो समाजवादी पार्टी के सरकार में तत्काल सीएम के नाम पर बदल दिया गया। आदरणीय योगी जी, अब पिछले 7 साल से 8 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आज भी आपको कार्य समिति में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ होता, कोई बड़ी चीज आपने बनाई होती, तो निश्चित तौर पर आप उसकी अपनी उपलब्धियों की बात करते। पिछली सरकार की कमियों की बात करके आप सत्ता तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन सत्ता चला नहीं सकते। शायद यही कारण है कि दिल्ली और लखनऊ का जो संघर्ष है उसकी परिणति क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन आदरणीय योगी जी लोग आपको काम के लिए जाने, आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, ना कि अपनी बात बहादुरी के लिए। आप किसी के कहीं जज हो गए हैं क्या, या किसी ने आपको बताया भूपेन चौधरी जी? लोग तो बता रहे हैं कि आप अपना बूथ हार गए हैं, वहां तो मुसलमान नहीं थे। आप बताइए ना, आप जब अपने लोगों का वोट लेने में सक्षम नहीं है और आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और वो भी गैर संवैधानिक आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या इंडिया गठबंधन हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं लेता। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया गठबंधन हो, ये पूरा का पूरा गरीबों की बात करता है, वंचितों की बात करता है, शोषितों की बात करता है, नल की बात करता है, नील की बात करता है, कोल की बात करता है, भील की बात करता है, आपकी तरीके से सिर्फ अंबानी की बात नहीं करता है। आप लोगों को वोट अंबानी का मिला, हमें नल नील कोल भील का वोट मिला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको